हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन कि यदि दी हुई n विभिन्न वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि में चारों ओर अगर हम रख दें तो किस तरह से रखेंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे हमारे रखने के, उन अरेंजमेंट्स को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम सर्कुलर परम्यूटेशंस कहते हैं। मान लिया n वस्तुओं को, n ऑब्जेक्ट्स को हमें एक सर्कल में व्यवस्थित करना है, तो इनमें से एक वस्तु का तो स्थान फिक्स हो जाएगा, उसको एक स्थान पर रख देंगे। अब बाकी बची हुई शेष n माइनस वन वस्तुओं को पहली वस्तु के सापेक्ष रखने के कुल तरीके होंगे फैक्टोरियल n माइनस वन, और सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों प्रकार के परम्यूटेशन की संख्या एक ही समझी जाएगी। और इस प्रकार यदि एक ही समझी जाए तो सर्कुलर परम्यूटेशन की संख्या आधी हो जाएगी, अर्थात फैक्टोरियल n माइनस वन की हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 20 फूलों से कुल माला कितनी बनाई जा सकती है, 20 फूलों से कुल माला कितनी बनाई जा सकती है, तो हाफ ऑफ फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ये हो गई, 20 फूलों से हमने बनानी है तो हाफ ऑफ 20 माइनस वन फैक्टोरियल, और 20 माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 119 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 फूलों से कुल माला हम 119/2 बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 9 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब 9 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति की पोजीशन हमने फिक्स कर दी, तो बचे हुए व्यक्ति हो गए 8, है ना। तो 8 हो गए तो n माइनस वन फैक्टोरियल हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन होगा। तो n माइनस वन यानी 9 माइनस वन मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की विधियों की संख्या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 40,320। अब हम कॉम्बिनेशंस पर आते हैं, अर्थात कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या है? किसी भी दी हुई संख्या की वस्तुओं के समूह में से कुछ या सभी वस्तुएं लेकर बनाए गए विभिन्न समूह जिनमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया हो, उन्हें वस्तुओं का संचय यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे 3 राशियाँ हैं ए बी सी, इनमें से किन्हीं भी 2 को लेकर हमने कॉम्बिनेशन बनाए, ए बी बी सी सी ए, और इसी प्रकार सभी को एक साथ लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन कितने होंगे, ए बी सी यानी 1। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या n c r से व्यक्त करते हैं। कॉम्बिनेशन को व्यक्त करता है और जो p था वो परम्यूटेशन को व्यक्त करता है। तो फर्स्ट तो रूल यही हो गया कि n c r इज इक्वल टू फैक्टोरियल r इनटू n p r, और n c r इज इक्वल टू n c n माइनस r, एंड नेक्स्ट रूल इज एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू एन सी आर माइनस वन। ये भी एक रूल है जिसे हमें ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। और रूल नंबर फोर क्या कहता है? रूल नंबर फोर कहता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। और अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, 25 CR यदि इक्वल हो 25 CR+5 के, तो R का मान ज्ञात करो। तब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 25 CR इज इक्वल टू 25 CR+5, और यदि हम इसमें से क्या करें,
25 को लेस कर दें। जैसे 25 cr को हम क्या लिख सकते हैं, 25 cr को हम लिख सकते हैं 25 c 25 minus r, और this is equal to 25 r plus 5, तो क्या होगा 25 minus r is equal to r plus 5, और 2r is equal to 20, तो r is equal to 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 c3 की वैल्यू आ जाएगी 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 1 is equal to 120, यानी 10 factorial divided by 3 factorial। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, 10 minus r factorial है ना, 10 minus 3 factorial, ठीक है। Now n विभिन्न वस्तुओं में से r को एक लेकर संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए, संचय यानी combination। यदि p वस्तुएं सदैव ली जाती हैं, यदि p वस्तुएं कभी भी नहीं ले जाएं। अब यदि p वस्तुएं सदैव लेंगे तो अभिष्ट टोटल नंबर कितना हो जाएगा, n माइनस p c r माइनस p, और p वस्तुएं कभी भी ना ली जाएं तो फिर क्या नंबर हो जाएगा, तो n माइनस p c r, ये नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए 7 लड़कों व 5 लड़कियों में से 6 की समिति बनानी है, यह समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि प्रत्येक समिति में केवल 2 लड़कियां हों। अब 5 लड़कियां हैं टोटल, अब 5 में से केवल 2 को हमें चुनना है, और 2 को चुनना है तो 5 C2 प्रकार से हमें संभव हो सकता है ना, और 7 लड़कों में से 4 लड़कियों को लेना है तो हमें 7 C4 तरीके से चुना जा सकता है। तो इस प्रकार से समिति बनाने की कुल विधियां कितनी हो गई, 5C2 into 7C4 C4, तो 5C2 into 7C4 कितना हो जाएगा, 5 into 4 divided by 2 into 1, और 7C4 हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 and 4 factorial हो गया 4 into 3 into 2 into 1 and it is equal to 350। तो आज हमारा जो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर था वो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।